फास्ट क्रांति न्यूज। तो इस टेंस का ट्रांसलेशन हम आपको बिल्कुल ही सरल तरीके से करना बताएंगे। जिन बच्चे को नहीं आता है उनको भी आएगा, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पहचान। ठीक, इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है? सहायक क्रिया हमारी लगती है वाज या वेयर। अब कहां पे वेयर लगेगा, कहां पे वाज लगेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, एकवचनकर्ता के साथ यानी कि सिंगलर, इसके साथ एक वचन लगे वाज लगेगा, और बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ वे लगेगा। इसमें भूतकाल में किसी भी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में भूतकाल में किसी भी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो चलिए इसका फार्मूला जान लेते हैं। तो सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेशन यहां सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, वर्ब होगा। वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जिस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग होगा। बाकी फार्मूला आपका सेम रहेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको देख लेते हैं। वह खेल रहा था। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है वह, इसी के बारे में सारी बातें हो रही हैं। वह खेल रहा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा ही। उसके बाद वाज वेयर में कोई एक ही एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पे वाज लगा देंगे। ही वाज, वर्ब की पहली अवस्था खेलना, प्ले मीन्स खेलना होता है, तो यहाँ प्ले लिख देंगे PLAY, तुरंत ISG यहाँ पे लगा देंगे। ही वाज प्लेइंग, वह नहा रहा था। अगला एग्जाम्पल है वह नहा रहा था, तो इसका हो जाएगा ही। उसके बाद कर्ता एक वचन है, तो ही यहाँ पे वाज लिख देंगे। ही वाज बाथिंग, बाथ मीन्स नहाना होता है, तो यहाँ हम बाथिंग कर देंगे। इसी तरह से वे घूम रहे, वे टहल रहे थे, वे टहल रहे थे। ठीक, तो इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगा दे मीन्स वे होता है, दे बहुवचन करता है, इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम वे आर लिखेंगे। दे वे आर वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग। ठीक है, इसी तरह से आप कई सेंटेंसों को कर सकते हैं। बात फिर से बता दे रहा हूं, वह खेल रहा था, ही लगेगा, सब्जेक्ट है इसका, उसके बाद कर्ता एक वचन है इसलिए वाज लगेगा, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में ING लगाएंगे। ही वाज प्लेइंग, ठीक उसी तरह वह नहा रहा था। ही वाज बाथिंग, ठीक इसी तरह वे टहल रहे थे, तो दे लग जाएगा। दे बहुवचन करता है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पे वेयर लगेगा, दे वेयर वॉकिंग। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सीमा मैदान में खेल रही थी, सीमा मैदान में खेल रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सीमा लिख देंगे। सीमा एक वचन है, सबसे पहले फार्मूले में सब्जेक्ट आया है, तो सब्जेक्ट सीमा हो जाएगा। सीमा अकेली है, तो वाज लग जाएगा। सीमा वाज प्लेइंग, प्ले हो जाएगा इसका पहली अवस्था, इसमें ING लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब की पहली अवस्था में ING, इन द फील्ड, यहाँ पे इन द फील्ड हम जोड़ देंगे। तो अब चलिए हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही आसान है, केवल वाज वेयर के बगल में हम नॉट लगा देंगे, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तैयार। आप कॉपी पेन पे नोट करते जाइए, ठीक है। उसको हम करते हैं इरेज, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब
पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, तो आप देख लीजिए फार्मूला यही रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, वार वेयर के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बी फर्स्ट में आईएनजी कर देना है। ये नेगेटिव का फार्मूला हो गया, आप लिख लीजिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस पहला अफर्मेटिव का था, नेगेटिव सेंटेंस ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट, मतलब क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। एग्जांपल ले रहे हैं जैसे राम नहीं खेल रहा था, ठीक, अंत में रहा था यहाँ लिखेंगे, है नहीं लिखेंगे, नहीं तो प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट इनफिनिट बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाम राम नहीं खेल रहा था, लास्ट में रहा था आ गया, बीच में नहीं शब्द आ गया, तो इससे हमको पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, तो सब्जेक्ट हम राम लिख लेंगे, उसके बाद राम एक वचन है तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, राम वाज, उसके बाद यहाँ नॉट लिख देंगे, नॉट, उसके बाद प्लेइंग कर देंगे, राम वाज नॉट प्लेइंग, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन राम वाज नॉट प्लेइंग। इसी तरह राम घर में नहीं खेल रहा था, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, नहीं खेल रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, राम वाज नॉट प्लेइंग इन द होम, राम वाज नॉट प्लेइंग इन द होम, राम घर में नहीं खेल रहा था, राम वाज नॉट प्लेइंग इन द होम। अब हो जाएगा सीता गाना नहीं गा रही थी, ठीक, तो यहाँ पे सीता लिख देंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा फार्मूले के अनुसार, सब्जेक्ट सीता हो गया हमारा, उसके बाद हम यहाँ पे वाज लिख देंगे, सीता वाज, उसके वाज के तुरंत बाद नाट लगाएंगे, सीता वाज नाट, सिंग मीन्स गाना होता है, क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी लगा देंगे इस फॉर्मूले के अनुसार, सिंगिंग सॉन्ग, सीता वाज नाट सिंगिंग सॉन्ग, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए, बहुत ही सिंपल बहुत ही साधारण तरीके से बताऊंगा आपको, जो गधे हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता, कभी अंग्रेजी से पल्ला भी नहीं पड़ा है, उनको भी समझ में आएगा, बस आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं इरेज, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका और सरल है और सिंपल है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस थोड़ा लिखावट मेरी क्लीन नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, जल्दीबाजी की वजह से कहिए तो स्लोवेस्ट पढ़ाएं। तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला यही होगा, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की पहली अवस्था, मतलब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क, यही इंट्रोगेटिव का साइड बताता है। जैसे क्या वह खेल रही थी, क्या वह खेल रही थी, ठीक, वाज वाज सी वाज वाज सी प्लेइंग, खेल रही थी आ गया लास्ट में, तो यहां पे हो जाएगा वाज सी प्लेइंग, वाज सी प्लेइंग, रही थी आ गया, शुरू में क्या शब्द आ गया, इससे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसको हम करेंगे, सबसे पहले वाज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, हुआ है तो सी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम प्लेइंग लिखेंगे। इसके पिछले वीडियो में, मतलब पिछले टॉपिक में जो पास्ट इंडिफिनिट बताया, वो पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव बताया और निगेटिव बताया, अगर उसमें कहीं पे मैंने लिख दिया हो वह नहीं खेल रही थी, उसका ट्रांसलेशन ही कर दिया हो, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, वहां सी कर दीजिएगा, बाई मिस्टेक हो गया, ठीक। अब क्या रीमा गाना गा रही थी, ठीक, तो इसका सेंटेंस हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इस सेंटेंस को, तो सबसे पहले वाज बेयर लगाएंगे, तो वाज में कोई एक लगाएंगे, तो पहले कर्ता चेक करेंगे, कर्ता हमारा रीमा है, तो ये एक ही वचन है, इसलिए यहाँ पे
वाज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे रीमा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे, सिंग लिखेंगे, उसके बाद इसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो यहाँ सिंगिंग हो जाएगा, रीमा सिंगिंग अ सॉन्ग। अब अगला एग्जाम्पल है, क्या वे खेल रहे थे, खेल रहे थे, ठीक, क्या वे खेल रहे थे। अब इसमें सबसे पहले हम जाएंगे रहे थे, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्वेश्चन मार्क यहाँ आ गया, शुरू में क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ सबसे पहले कर्ता खोजें, कर्ता हुए है मतलब बहुवचन है, बहुत सारे लोग इसमें हैं, तो इसमें हम वेयर लगा देंगे, वेयर दे प्ले, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ, तो किस तरह से निगेटिव सेंटेंस आएगा सबसे पहले उसको देख लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा शायद ही कोई समझाए। तो निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला इस तरह से होगा, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यस ई एन टी ई एन सी ई, ठीक। इसका फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे वाज, देयर प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी फर्स्ट क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे वाज, देयर, सब्जेक्ट, नॉट, क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे नहीं नहा रहे थे, अब यहाँ पे हो गया क्या वे नहीं नहा रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। सबसे पहले वाज बे लगाएंगे, तो वाज बे में कोई एक, तो यहाँ पे वे है, वे के साथ बे लगता है क्योंकि वे बे बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पे वे लगाएंगे, वे दे, दे के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे, दे वेयर दे नॉट प्ले बाथिंग, नहाना है ना, नहीं नहा रहे थे, तो यहाँ पे बाथिंग हो जाएगा। अब जैसे क्या वे तालाब में नहीं नहा रहे थे, क्या वे तालाब में नहीं नहा रहे थे, ठीक। ये भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहा रहे थे बीच में आ गए, जहां लास्ट में आया, और बीच में नहीं आ गया, शुरू में क्या आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका भी ट्रांसलेशन हम ठीक उसी तरह करेंगे, वेयर दे नॉट बाथिंग इन द पॉन्ड, ठीक। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव भी खत्म हो गया। अगर यदि बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए वीडियो में आगे देखते रहिए, रुकिए मत। तो प्रश्न सूचक शब्द जैसे ही आता है तो सारा फार्मूला वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग करेंगे। यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आए तो, यदि यदि वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो, जैसे क्यों, कैसे, कहां, ये सब डब्ल्यू एच फैमिली के मेंबर है। अगर ये वाक्य के बीच में आ जाते हैं, जैसे जैसे वह क्यों खेल रहा था, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं लास्ट में रहा था आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, बीच में क्यों शब्द आ गया, इससे यह प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो इसका ट्रांसलेशन करने का तरीका आप जान लीजिए, इसका ट्रांसलेशन होगा सबसे पहले क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, या इसे डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं, डब्ल्यू एच लिखेंगे, प्लस वाज बे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे,
उसके बाद यहाँ पे भी फर्स्ट में आईएनजी लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ओडब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड लिख देंगे। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन आता है, वह क्यों खेल रहा था, वह क्यों खेल रहा था, बीच में क्यों शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पे इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा वाई वाज, क्योंकि क्रिया इसकी कर्ता इसका एक वचन है वह है, तो यहाँ वाज लगाएंगे, वाई वाज ही प्लेइंग। क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे यहां आ गया सीमा कहां नहा रही थी, सीमा कहां नहा रही थी क्वेश्चन मार्क। इस तरह के वाक्यों में क्वेश्चन मार्क का रहना अनिवार्य है। अब यहाँ सीमा कहाँ नहा रही थी, तो ये प्रश्न सूचक शब्द है, कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा कहाँ नहा रही थी, तो सबसे पहले वेयर लिख देंगे, डब्ल्यू एच ई आर वेयर, उसके बाद यहाँ पे सीमा लिखेंगे, वेयर सीमा वाज, सीमा एक वचन है इसलिए यहाँ पे वाज लगेगा, वेयर सीमा वाज बाथिंग, बी ए टी एच आई एन जी बाथिंग क्वेश्चन मार्क। इस तरह से रवि स्कूल क्यों जा रहा था, रवि स्कूल क्यों जा रहा था, रवि स्कूल क्यों जा रहा था, तो यहां क्योंकि अंग्रेजी वाई सबसे पहले लिखेंगे फार्मूले के अनुसार, क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क सबसे पहले, वाई वाज रवि, वाई वाज रवि गोइंग, जाना का वो होता है इसमें, हवाई वाज रवि गोइंग टू स्कूल, स्कूल होता है वहां। यहां भी आपका जो इस वाक्य में आप देख रहे हैं, तो पहले वाज होगा वेयर वाज, उसके बाद यहाँ पे सीमा होगा, बाई मिस्टेक लिखा गया था, वेयर वाज वेयर आएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वेयर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी। तो चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनता है उसको बनाना सिखाते हैं, और उसका ट्रांसलेशन करना आपको सिखाते हैं। वीडियो में नजरें गड़ा के बने रहिए, कहीं भागिएगा मत, सब आएगा, एक एक चीज आएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, सब सिखाऊंगा भाई, बस मेरे साथ आप जुड़ जाइए, जहां से भी हो, भारत के जिस भी कोने से, इंडिया के किस कोने से आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो सबसे पहले देखिए, अब आ जाता है इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले हम कर लेते हैं, क्या उसका वो फार्मूला स्ट्रक्चर लिखते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली प्लस वाज बेयर, वाज बेयर, वाज बेयर प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ नॉट लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब लिख देंगे इसका एग्जाम्पल, देख लीजिए, वह क्यों नहीं नहा रहा था, वह क्यों नहीं नहा रहा था, तो यहां नहीं भी आ गया, क्यों भी आ गया, रहा था भी आ गया, क्वेश्चन मार्क भी आ गया। इससे पता चलता है कि यह प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है और इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, तो वाई लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, वाई वाज लिखेंगे यहाँ पे, वाई वाज लिखेंगे यहाँ पे, वाई वाज ही आएगा क्योंकि एक वचन है इसलिए ही आया, वाई वाज ही, उसके ही के तुरंत बाद नाट लगाएंगे, वाई वाज ही नाट बाथिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल है वह क्यों नहीं खेल रहा था, अगला एग्जांपल है सीमा मैदान में क्यों नहीं दौड़ रही थी, सीमा मैदान में क्यों नहीं दौड़ रही थी, ये दो एग्जाम्पल हैं। तो आपको सबसे पहले ऊपर वाला बताते हैं, तो उसका हो जाएगा वाई वाई, उसके बाद वाई आएगा, इसके वजह से क्वेश्चन वर्ड है इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर वाज लिखेंगे, वाज क्यों लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इसका हुआ है तो इसलिए वाज आएगा, वाई वाज ही नॉट प्लेइंग क्वेश्चन मार्क।
अब सीमा मैदान में क्यों नहीं दौड़ रही थी, तो यहाँ वाई हो जाएगा, वाई वाज वाज आएगा, इस वजह से क्वेश्चन वर्ड वाई आया, उसके बाद वाज बेयर में कोई एक तो वाज आएगा, उसके बाद यहाँ सीमा आ जाएगी, वाई वाज सीमा, फिर नहीं शब्द का आएगा, नाट तुरंत लगाएंगे, वाई वाज सीमा नाट रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। आता है यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आ जाए, तुम्हें कौन पीट रहा था, जैसे वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में कौन शब्द आ जाए, कौन शब्द आ जाए, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हु लिखेंगे, हु के बाद हु प्लस वाज बेयर लिखेंगे, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिख के क्वेश्चन मार्क कर देंगे। हु का सेंटेंस सबसे अलग बनता है, जैसे तुम्हें कौन पीट रहा था, तुम्हें कौन पीट रहा था, यहाँ हो जाएगा कौन की अंग्रेजी हु लिखेंगे, यहाँ पे कोई कर्ता नहीं है, कर्ता छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम कर्ता नहीं लिखेंगे हु, उसके बाद वाज, हु वाज बीटिंग बी ए टी आई एन जी बीटिंग यू, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अभी जब एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको बहुत सारे एक्सरसाइज कराएंगे जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में ये भी बता दीजिए कि इंडिया के किस कोने से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।